अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं आलू की सब्ज़ी। हाँ, बहुत इजी और सिंपल रेसिपी है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर एक कढ़ाई में मैंने ऑयल लिया है, 2 बड़े चम्मच ऑयल लीजिए। तो मैंने इसे अंदाजे से लिया है, आप 2 चम्मच लीजिए। यहाँ पर है मिर्चे, ज़ीरा, लहसुन और हमारे थोड़ी करी लीव्स। तो इसे थोड़ा सा इसका तड़का दे तो अच्छा लगता है। थोड़ा सा भून ले इसे और फिर इसमें कांदा ऐड कर लें। प्याज है हमारे, अनियन वो ऐड करना है। अब चाहे तो इसे फाइनली चॉप भी कर सकते हो। तो ये हमें ऐसे थोड़ा ऐसे लंबा कट किया हुआ ही पसंद आता है, इसलिए हमने ऐसे ही किया। तो वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो इसलिए मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में ही बताया। आप अच्छे से फ्राई कर ले उसे, लहसुन ज़ीरे को भी। तो यहाँ पर हमारे ये जो कांदा है थोड़ा सा पिंक हो चुका है, तो यहाँ पर मैं ऐड करूँगी इसमें हल्दी, नमक और ये ऑप्शनल है रेड चिली पाउडर। थोड़ा सा अच्छा तीखापन आता है इससे, बाकी कुछ टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थोड़ा सा तीखापन आता है और अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पर मैंने ये आलू को बारीक बारीक कट करके रख दिया, यहाँ पर धोकर रख दिया था। तो यहाँ पर इसे चला ले। बहुत सिंपल और इजी रेसिपी है, 10 से 15 मिनट में बन जाते हैं। कभी कभी तो आप टिफ़िन बॉक्स में भी दे सकते हो, बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हो। लंच टिफ़िन ओ क्या कह रही हूँ मैं। तो यहाँ पर टमाटर ऐड करेंगे हम, 1 या 2 टमाटर ऐड कर लीजिए, जितना आप मतलब। ये एक काफ़ी हो जाता, बड़ा साइज़ था इसलिए मैंने एक ही ऐड किया। बस कुछ नहीं ऐड करना है, एकदम सिंपल रेसिपी है, एकदम सादी सादी सब्ज़ी है। वैसे भी टिफ़िन में ज़्यादा हैवी अच्छा नहीं लगता है, तो ये हल्का फुल्का ही है। तो यहाँ पर देख सकते हो टमाटर मैंने ऐड किया था इसमें, तो इसमें थोड़ा सा पानी छूट चुका है, तो उसी में हमारे आलू गल गए। तो फाइनल इसमें ऐड करूँगी हम ये करेंगे कोथमीर, जो हमारी। तो देख सकते हो गाइस, यहाँ पर बन के तैयार है हमारी सब्ज़ी। बहुत इजी और सिंपल रेसिपी थी, आप ज़रूर इसे घर पे ट्राई कीजिए। बहुत इजी रेसिपी मैंने आपके साथ में शेयर किया, बहुत जल्दी से बन जाती है। जब भी हमें कुछ बनाने का कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो ये आलू की भाजी बहुत जल्दी बन जाती है। लेडीज़ को तो सबको पता ही होगा गाइस। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी। बहुत जल्दी मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।